तंत्र मंत्र के बादशाह भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी, इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहां। ग्रह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान गुरु खान बंगाली। घर बैठे पाए समाधान, अभी कॉल करें 8448277903। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कोमल गुप्ता, वॉइस टीवी यूपी पर आपका स्वागत है। इस वक्त की खबर फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद मकान स्वामी की दबंगई आई सामने, दुकानदारों को बिना सूचना दिए बिल्डिंग को तोड़वाया, दुकानदारों के रोकने पर दी दुकानदार को जान से मारने की धमकी, दुकानों में रखा सामान भी टूटा। पिछले 65 वर्षों से दुकानदार चला रहा है चूड़ी का कारोबार। पीड़ित दुकानदार ने की थाने में शिकायत, पुलिस ने नहीं की कोई कार्यवाही। पीड़ित ने पुलिस पर लगाया मकान स्वामी से मिलीभगत का आरोप। थाना दक्षिण के अट्टावाला का है पूरा मामला। अनिल जी, क्या हुआ है आज? क्या परेशानी है आपकी? आज मकान दुकान जो है तोड़ दी मेरी बगैर बताए। जो है कहाँ पर दुकान थी? किसी अटवाई मोहल्ले में दुकान थी, मेरी चूड़ी की दुकान है। कितने वर्षों से थी आपकी? 65 वर्षों से लगातार 65 वर्षों से दुकान में चला रहा हूँ। किराए लोगों ने तोड़ी है? ये राजू ने तोड़ी है। आखिर क्या वजह रही तोड़ने की? तोड़ने की वो बिल्डिंग में ऊपर से जो गिर रही थी, वो गिरी हुई बिल्डिंग को चढ़ाना था, वो दुकान पर ही कब्जा कर लिया उनने। कोई बात नहीं करी, कोई चीज नहीं करी और धमकी दे रहे हैं मारने की। बोलने से पहले आपको कुछ खाली कर कोई खबर नहीं आई है? पुलिस के पास गए थे? पुलिस के पास गए थे, पुलिस वाले ने कोई सुनवाई नहीं करी है। कौन सी जगह है? आडावाड़ा मोहल्ला है। थाना कौन सा लगता है? दक्षिण। अब क्या चाहते हैं? अब जी जाते हैं, जाकर कोई निवारण निकलने का है अपनी दुकान बन पाऊंगा अपना। आपका? मेरा नाम सोनू जैन। सोनू जी, क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि ये हमें जान से मारने की धमकी देता है। ये दुकान हमारे पास 65 वर्षों से करीब किराए पर है। किस चीज़ की दुकान है आपकी? कौन सी जगह है ये? ये मोहल्ला अट्टा वाला है जिसमें मैं चूड़ी का काम करता हूँ। आज क्या हुआ है? आज इन्होंने इस दुकान में आकर देखा है, मैंने तोड़ फोड़ कर दी है इन्होंने दुकान की भी। कौन प्रॉपर्टी मालिक है और किसने तोड़ फोड़ किया है? इसके परसोत्तम दास हैं उनके पिताजी का नाम और राजू उनके लड़के का नाम है, उन्होंने की है। पुलिस के पास गए थे? पुलिस के पास गए थे, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई है। क्या बोल दिया? 112 से भी आए थे, वो उस समय वो यहाँ पे मिला नहीं था, लेकिन देख के वो भी चले गए। तो आपकी दुकान जब क्या आपको पहले खाली करने का कोई आदेश दिया? नहीं, हमें कोई आदेश नहीं दिया है। कुछ नहीं कहा गया? कुछ नहीं कहा गया आपके बिना मौजूदगी में? बिना मौजूदगी। कब पता चला कि आपकी दुकान टूट गई? जब हम दोपहर को इसमें आए थे, जब हमने देखा था, जब देखा था कि दुकान तोड़ दी है। कितने लोग थे करीब तोड़ने वाले? अपने लेबर से काम करा रहे हैं और उसने चढ़ के खुद तोड़ी है, राजू ने खुद तोड़ी है। राकेश बाबू, क्या समस्या आई है? समस्या ये आई है कि मेरी दुकान को खाली कराया जा रहा है गुंडों बदमाशों के सहारे से। क्या कारण है? कारण ये है कि वो अपनी बिल्डिंग को बेचना चाहता है। हम लोगों कौन? मकान स्वामी आपके कहाँ पर दुकान है? मकान स्वामी का क्या नाम है? मकान स्वामी का नाम राजीव जैन, विनोद जैन। ये आपकी दुकान किस मोहल्ले में? अट्टावाला मोहल्ला, छोटा छोड़ा है। किस चीज़ की दुकान है? पप्पू टेलर के नाम से, पप्पू टेलर। कितने वर्षों से कर रहे हैं? मेरी 72 साल की दुकान है मेरी। क्या समस्या आ रही है? समस्या ये आ रही है कि मेरी दुकान टूटने वाली है, गुंडों बदमाशों के जरिए से खाली हो रही है। पुलिस के पास गए थे? पुलिस के पास नहीं गए। पुलिस के पास गए थे?
गए थे, कोई सुनवाई नहीं हुई। अब क्या चाहते हैं?